On August 31st, 2019, 1.9 million people of the total population of 31 million in the Indian state of Assam were declared illegal in the National Register of Citizens that documents the legal citizens of India. Two-thirds of these 1.9 million people who are Hindus have a fair chance to regain their citizenship through a law called Citizenship Amendment Act. But the remaining one-third Muslims, who always have known India as their home, are living with the uncertainty of being asked to leave the country. लंबे दिनों की आसाम का जो पॉलिटिकल सिचुएशन और सिनेरियो है वो एंटी मुस्लिम थे, वो मुसलमानों की जो बंगाल ओरिजिन असली मुस्लिम है उनको हमेशा टारगेट करके रखता था, अब बांग्लादेशी हो अब डाउटफुल हो, इसीलिए वो ऑफिसर वगैरह लोगों को भी उनको जो माइंड सेट है उसको भी बैठ गया था कि हाँ ये मुसलमान हो सकते हैं, ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। और कुछ भी एक स्पेल मिस्टेक के लिए भी बहुत सारे लोगों के एनआरसी से नाम बाहर है, किसी का फॉर्म भरने के लिए जो थोड़ा बहुत गलती होते थे, जो मिस्टेक होते थे वो मिस्टेक के लिए भी नाम बाहर है। ये जो एनआरसी में जितने जो मुसलमानों के डिस्क्रिमिनेशन थे और करोना को लेकर कैसे डिस्क्रिमिनेशन, ये बात अगर सामने रखते हैं तो ये बात ऐसा है कि एनआरसी में जो मुसलमान लोग हुए उनको वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट की जो क्लॉज था वो क्लॉज नहीं दिया गया था। जो एक ऑफिसर के पास एक पावर था कि उनको बिना डॉक्यूमेंट्स वो ऑफिसर उनको इंडियन घोषित कर सकता है अगर उस वो कुछ कास्ट कम्युनिटी का हो तो, लेकिन मुसलमान ज़्यादातर मुसलमानों को, कुछ मुसलमानों को छोड़ के बाकी सारे मुसलमानों को उस क्लॉज से बाहर निकल कर रखा गया, एज वेल एज बंगाली हिंदू को भी बाहर निकल कर रखा गया, तो इसीलिए उनके साथ एक देख देख एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। See, when we say national ID, you know how many assumptions we are making? You know, the one thing that it will do, like we are seeing with the National Register of Citizens, the one thing that we can significantly see it doing is it creates statelessness. It creates people who can't, who are, you know, recently I've written a piece where I've said that, you know, it's creating a new utopia for those in power. The powerful have a utopia where they want certain kinds of people there. They don't want certain kinds of people. They want to discard them somehow. Now you're able to do all that through the creation of these databases. But the NRC process involves very close scrutiny. Yeah. And many of the, even the indigenous people, not to talk of immigrants, don't have any documents at all. Yes. About their claims to their land, about their school certificates, this and that, they don't have any. So that was the problem nobody had foreseen. And that scrutinizing it, verifying it, finding it wrong, then forcing the man to run from pillar to post, you know. These were circumstances nobody had imagined. ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस असम में आने के पहले असम में जो एनआरसी एक्सरसाइज है वो स्मूथली चल रहा था। जो 19 लाखों से ज़्यादा लोगों को नाम एनआरसी से बाहर है उनको जो कॉज ऑफ रिजेक्शन है वो रिजेक्शन का स्लिप, वो रिजेक्शन का डिस्क्रिप्शन देने वाला ही था सरकार। उसके बाद ही उन लोग जो कंसर्न फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है उस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाकर उनको केस मूव करने की बात था। लेकिन उसी टाइम में जब कोरोना वायरस आने लगा और सारे तरफ लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू वगैरह होने लगा, तभी ये जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस को रुका दिया गया, क्योंकि ये कोरोना वायरस की बात होगा, ये अनलिमिटेड दिनों के लिए बंद है। तो इसीलिए इस वक्त वो एक्सरसाइज बंद है और आगे करने वाला है लोग। और ये कोरोना वायरस जाने के बाद एनआरसी में क्या होगा, ये बात बहुत ही सोचने वाला बात है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के लिए जितने सारे लंबे दिनों की जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के लिए लोगों की इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा ही गरीब बन गया। जिसके पास खाने का पैसा नहीं है वो जब को खुद का एनआरसी का केस लेके आगे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट का खर्चा कैसे उठाएगा? कोर्ट में कई तरह का खर्चा आता है, एक तो उनको जो डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन का फीस आता है, वो बहुत मोटा अंक की पैसा है। दूसरी तरफ वो वकील के पैसा, उसका ट्रांसपोर्टेशन के खर्चा, ये कुल मिला के एक लंबा एक बड़ा सा पैसा होता है। कहीं कहीं फैमिली में दो तीन से भी ज़्यादा लोगों का नाम एनआरसी से बाहर है, जबकि वो मार्जिनलाइज्ड है, जबकि वो गरीब है, तो उस टाइम उन लोगों को करने के लिए, उन लोगों को पैसा भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है और नहीं होगा।
इसीलिए आगे का दिन बहुत टफ होने वाला है उन सारे लोगों के लिए. We've seen that the ruling party itself has a problem in Assam where they are saying no, but this is not the kind of exclusion we wanted. We wanted another kind. This is what databases do. So why are we thinking that under, you know, what kind of a structure can produce an ID that will establish that somebody is a terrorist? And if you say that, oh, well, if we track everybody, then the moment a person commits a terror crime, we can latch on to them. We are basically saying whole populations have to be put on permanent surveillance. Can this ever be an answer to anything? Can you imagine what kind of power we are giving to people who control all this data? महिला और बच्चा का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि महिला ज्यादातर अनपढ़ होता है हमारे समाज में, मुसलमान समाज में स्पेशली बहुत ज्यादा ही महिला अनपढ़ होता है. इसलिए उनके पिताजी के साथ लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे महिला ने उनके डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं पाया, इसीलिए बहुत सारे महिला के नाम सूट किया. अब जब कोई महिला के नाम सूटता है, अगर उसको बच्चा 2003 साल के बाद पैदा लिया तो उनको नाम के साथ साथ सूट किया गया, क्योंकि आइदर पेरेंट्स इंडियन होना है और दूसरा पेरेंट डाउटफुल सिटीजन नहीं होना. जब उसको एक पेरेंट्स के ऊपर डाउट करता है तो उनको उनका बच्चा का नाम 2003 के बाद पैदा लेने वाला बच्चा का नाम एनआरसी से बाहर रहता है, और ऐसे करके बच्चा भी बाहर रह गया. How many people in this country can actually produce documents to establish that their grandfather and their grandmother belonged in this state? How many can actually do it? And why do we want it done? If our problem is that we have people here who are creating trouble for us, we need to address the trouble. People are, is not the trouble. You know, having that distinction, if we can't make, then we not only lose humanity, we also lose the basic political sanity that we need to exist as a nation. और ये कोरोना वायरस के लिए जो मुसलमानों की जो जितने तक बात आया कि जब को कोरोना वायरस आसाम में या इंडिया में स्प्रेड होने लगा, इसके बड़ा सा हॉटस्पॉट बताया गया है कि ये निजामुद्दीन मरकज है. निजामुद्दीन मरकज के साथ ये आसाम का एक कनेक्शन बना है, क्योंकि आसाम से भी काफ़ी सारे लोग जमात में शामिल हुई थी, इसीलिए जितने सारे इफेक्टेड लोग मिला है उनसे भी एक दो लोगों सौ के बाकी सारे निजामुद्दीन के साथ कनेक्शन है. इसीलिए चारों तरफ मुसलमानों को ब्लेम देने की एक एनवायरनमेंट जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है, और सोशल मीडिया तमाम सारे मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका मुसलमानों को ब्लेम दे रहा था. और बात जितना तक करोना के थे कि करोना में एक घटना में बताना चाहता हूँ कि फॉरनर्स ट्रिब्यूनल बक्सा डिस्ट्रिक्ट में फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के कुछ मेंबर में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कुछ मेंबर में एक पैसा इकट्ठा किया था कि कोरोना को फाइट करने के लिए तहवील बनाया गया आरोग्य निधि बोल के आसाम सरकार के द्वारा. उस निधि में जो पैसा डाला था उस पैसा डाल के उन लोग डोनेट करके वहां पर बताया गया कि ये पैसा जमाती के लिए खर्चा होना नहीं चाहिए, ये पैसा अलग अलग कुछ कंडीशन बताया गया जो सारे मुसलमान से रिलेटेड है उनके लिए पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए. तो एक दफा बता समझिए कि एक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के मेंबर या 10 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के मेंबर इसे बता पाते डोनेशन दे के कि ये फलाना दफना के लिए खर्चा नहीं हो पाएगा, तो उनको माइंड सेट आप गौर से समझिए कि उनका माइंड सेट में क्या है. वो कमीनल है, ये बात स्पष्ट है, ये बात क्रिस्टल क्लियर है. इसीलिए हमको पता चलता है कि ये एक्टी में जाके मुसलमानों को केस आगे कैसे पड़ेगा और उसको साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये बात बहुत ही साफ और क्लियर है. जब को बात आता है आधार का, आसाम में आधार कार्ड का इतना मायना नहीं रखता है. अभी हाल ही में जब को एनआरसी आया, एनआरसी का जिन सारे लोगों को नाम एनआरसी से ड्रॉप हो गया उनको बायोमेट्रिक लेने वाला था और ले लिया. जितने सारे ड्रॉप हो गया जो क्लेम भी किया उसके भी उनको सारे को बायोमेट्रिक ले लिया. तो इसीलिए अभी अभी जो ये आधार का प्रोसेस कुछ ही सालों से कुछ ही दिनों से आसाम में शुरू हुआ है, तो इसीलिए ये आधार के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होता. लेकिन यहाँ पे अलग अलग कुछ पैरामीटर से कुछ चीज है कुछ टूल्स है जिसके द्वारा लोगों को ये बना सकता है, कोई राइट से भी बाहर निकल सकता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल सकता. ये एक चीज है कि डी वोटर्स बना के रखते हैं. वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पे डी वोटर बना के रखते हैं, डाउटफुल वोटर लगा के रखते हैं. ये डाउटफुल वोटर कभी वोट नहीं कर पाते, और वोट नहीं कर पाते इसके लिए उनके नाम पे
पे कोई डॉक्यूमेंटेशन बनता नहीं, उनका नाम पे नहीं, जो रेशन कार्ड है वो भी बनता नहीं, इसलिए वो लॉकडाउन के लिए बाहर काम के लिए भी नहीं जा सकते। दूसरा तरफ से वो सरकार के द्वारा सुविधा भी नहीं मिलता जो चावल दे रहे थे सरकार। और एक बात है कि सरकार ने जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है उसको हजार हजार रुपया देने के बाद था, लेकिन वो जो डी वोटर्स लोग है, वो जो डाउटफुल लोग है, उनको दिया नहीं गया। तो इन सारे चीज हो रहा है। तो ओवरऑल एक बात हमें ये रखना है कि आगे के दिन जो एनआरसी से ड्रॉप आउट लोग है, इनके फाइट बहुत ही मेहनत का होगा, बहुत ही टफ होगा, क्योंकि पैसा का जरूरत था और वो टोटली लूजा है और दूसरी तरफ वो मार्जिनलिस्ट। सो आई फील दैट यू नो देयर इज ऑल दिस मार्केटिंग एंड दिस पुशिंग एंड दिस मैंडेटिंग एंड दिस टॉक ऑफ like all of us are potential terrorists and potential corrupt people and potential criminals. This kind of talk has completely destroyed the imagination that will help us live as a people. And that, you know, I know it sounds like hyperbole when I say this, but actually you sit back and think about it and think in the past 10 years, what has been our discourse on all these things? Oh, yeah.